नमस्कार, मैं साजिदा खातून बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास फर्स्ट में और क्लास सेकंड के लिए हिंदी सेकंड का एक कॉमन टॉपिक ले रहे हैं, विशेष। तो ये बच्चों, ये जो वीडियो है आपका क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड दोनों के लिए है। बस मैं बता दूंगी कि कहाँ तक आपका क्लास फर्स्ट में आएगा और कहाँ के बाद आपका क्लास सेकंड के लिए है, ठीक है। तो विशेषण बेसिकली होता क्या है, तो जो शब्द, विशेषण का अर्थ ही होता है विशेषता बताने वाले शब्द। तो यानी जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो हमें बताएं कि विशेषता किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की, तो वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल गुलाब, गुलाब एक संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता क्या है कि वो लाल है। हरी घास, घास कैसी है, हरी है। पतला लड़का, तो लड़का कैसा है, पतला। वह अच्छा गाती है, तो अच्छा, ठीक है। वह एक सर्वनाम शब्द है और अच्छा कैसा गाती है, अच्छा गाती है, तो अच्छा एक विशेषण शब्द है। तो इसी तरह ये सारे हमारे विशेषण शब्द होते हैं। अब आता है यहाँ तक, तो बात कर यहाँ तक कि आपका क्लास फर्स्ट में आपका कवर हो जाएगा कि अच्छा, काला, ये सारे जो विशेषता बताने वाले नॉर्मल शब्द होते हैं ये हमारा विशेषण कहलाता है। अब आते हैं हम लोग क्लास सेकंड की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्लास सेकंड में कुछ चीजें हमारी और मॉडिफाई करके दिख देगी हैं। तो अब हम बात करते हैं कि विशेषता बताने वाले शब्द यानी गुण और दोष बताने वाले शब्द। जैसे मीठा आम, तो आम की जो आम, आम कैसा है, आम मीठा है, तो मीठा, काला, गोरा, ये सारे शब्द। या फिर हरी, किसी का रंग बताने वाला, वह दुबला है, पतला है, कैसा है, ये सारे शब्द हमारे गुण बताने वाले विशेषण होते हैं। फिर हमारा आता है संख्या बताने वाले विशेषण। तो संख्या में जैसे कि दो बच्चे या तीन बच्चे, पांच बच्चे, ऐसे हम कर सकते हैं, या फिर कुछ बच्चे या फिर कई बच्चे। तो ये कुछ, कई और या फिर जो संख्या की बात कर रहे हैं हम, तो ये हमारे संख्या बताने वाले विशेषण में आ जाते हैं। फिर हमारा आता है नाप तौल के लिए हम लोग जो विशेषणों का यूज करते हैं, जैसे थोड़ा, अधिक, मुझे थोड़ी चाय चाहिए, मुझे अधिक खाना चाहिए, ये सारी चीजें, बहुत ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत कम है, ये सारे। और कुछ जैसे यूनिट्स आते हैं, हमारी इकाइयां कुछ होती हैं, जैसे 5 किलो, 5 ग्राम, 5 लीटर, ये सारे शब्द भी हमारे विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है संकेत वाले। तो ऐसे जब हम लोग किसी की ओर संकेत करके बताते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर जब हम संकेत करके बताते हैं कि वह चीज अपनी है या किसकी है, तो वो भी हमारा विशेषण कहलाता है। जैसे कि अगर हम इस पेंसिल की बात करें, तो हम अगर इसको संकेत करके कर रहे हैं, ये एक सर्वनाम है, ठीक है। तो ये पेंसिल की बात कर रहे हैं, तो ये पेंसिल मेरी है, ठीक। तो यानी कि हम संकेत करके बता रहे हैं, तो ये विशेषण, यह, वह, ये सब भी एक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा विशेष्य। अब ये विशेष्य क्या है, तो विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वह क्या कहलाता है, वह विशेष्य कहलाता है। जैसे लाल गुलाब, तो विशेषण, विशेषण शब्द क्या है हमारा, लाल, लेकिन वो किसकी विशेषता बता रहा है, वो गुलाब की विशेषता बता रहा है, तो यानी गुलाब हमारा विशेष्य कहलाएगा। जैसे काला कोट, ठीक है, तो कोट तो काला है, तो कोट की विशेषता क्या है कि वो काला है, लेकिन जो विशेषण है यानी काला शब्द, काला क्या चीज है, किस, कौन सी चीज काली है, हम लोग वो किसकी विशेषता बता रहे हैं, वो कोट की विशेषता बता रहे हैं, तो कोट हमारा क्या हो जाएगा, कोट हमारा हो जाएगा विशेष्य। तो यही बेसिक डिफरेंस है विशेषण और विशेष्य में, कि विशेषण वो शब्द होते हैं जो गुण बताते हैं या विशेषता बताते हैं, और विशेष्य वो होता है विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वो हमारा विशेष्य कहलाता है। जैसे मीठा आम, मीठा आम में आम जो होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, वह हमारा विशेष्य कहलाएगा। लाल पत्थर, तो लाल विशेषण है लेकिन विशेष्य क्या है, पत्थर, ठीक है। इसी तरह के आपके सारे शब्द, कुछ सारणी दी हुई है, जैसे कि लाल पीला फूल, तो पीला आपका विशेषण हो जाएगा और फूल आपका विशेष्य हो जाएगा। तो बेसिक बस इतनी सारी चीजें थी आपके क्लास सेकंड तक के लिए।
तो बच्चों अब आपको आपके क्लास वाइज नोट्स जो होंगे आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। उस नोट्स को अपनी कॉपी में करने से पहले उसको अच्छे से पढ़िएगा, इस चीजों को समझिएगा और इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, ये आपको हेल्प करेगी। और बाकी सारे जो भी आपकी चीजें हैं आपको स्कूल मित्र ऐप पर नोट्स के थ्रू में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू।